सत श्रीकाल, तुसी वेख रहे हो पंजाब टीवी प्राइम ते मैं हरकेश सिंह राणा। नंगल दे विच कोर्ट कंपलैक्स विखे वकील भाईचारे वालों काफ़ी लंबे समय तो कोर्ट दे विच चैंबर अते शैड बनाउण दे लई लंबा संघर्ष किया जा रहा सी, जिसके चलते हुए 24.98 लाख रुपए की ग्रांट भी इशू हो गई सी। हुण जदों काम शुरू होण लग्गिया तां वकील भाईचारे ने दस्सिया कि उन्हां नूं शैड नहीं बना के दित्ती जा रही, सगों कोर्ट कंपलैक्स के लागे बने हुए मोर्चरी नूं ही रिपेयर करन दे लई गल कही जा रही है। लगभग असी पिछले एक साल तो जिहड़ा लगातार संघर्ष है वो करदे आ रहे सी। बेशक अकाउंट दे विच पैसे भी है पर किते ना किते डिले हो रहा सी काम दे विच। अज भी काम शैड पाउण दे विच शैड पाउण वास्ते कुछ अधिकारी आए सी पर नहीं हो सकिया, काम है जिहड़ा विचकार दे विच ही बंद हो गया। जिथे असी अपने वास्ते लड़ाई लड़ रहे उत्थे ही जिहड़े साडे क्लाइंट है उन्हां वास्ते कि उन्हां नूं शाम मिल सके, उन्हां नूं एक सही पानी मिल सके पीण वास्ते, उन्हां वास्ते लड़ाई लड़दे रहे ते लगातार है जिहड़ी उह जारी रहेगी। ते जो जिहड़े पैसे आए सी किन्ने पैसे आए थे और कदों आए सी? अराउंड पिछली सरकार दे टाइम दे विच आए सी, कांग्रेस दी सरकार दे विच पैसे आ गए सी पर काम नहीं हुआ, हजे हजे मांग नहीं पूरी हुई थी। एक्चुअली की है जिहड़ा हुण प्रॉब्लम है कि एनओसी वगैरह बीबीएमबी तो नहीं मिलदी पईआं, जिहड़ा पैसा है हजे भी एमसी दे कोल ही है। सब तो वड्डी गल इह है कि कहिंदे कि तुसीं काम तां शुरू कर दो, प्रॉब्लम इह है कि अज साडे नंगल दे विच इक फ्लाईओवर बन रिहा, फ्लाईओवर तो शुरू हो गया पर हजे तक एनएफएल ने परमिशन नहीं दी। गल इत्थे भी है कि साडे मंत्री साहब ने बोलता दिता कि काम शुरू करा दो, इन फ्यूचर परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। गल तो यह है कि ज्यादा पहले साडे कोल परमिशन आ जाए, अज असी बिना परमिशन तो ही काम शुरू होया सी, अज बंद हो गया। किते ना किते जिहड़ा भी कोई नवा बंदा आंदा है साडे एडवोकेट्स नूं जिहड़े उहनां दे क्लाइंट है कि साडी सानूं बैठण वास्ते जगह है कोर्ट रूम दे विच, पर जो क्लाइंट आंदा उन्होंने बैठे जो लैटर असी पढ़िया सीगा मंत्री साहब दा उहदे विच लिखिया गया था स्पष्ट तौर ते भी बीबीएमबी एनओसी जां होर प्रक्रिया जो भी है वह बाद विच देख ली जाएगी, पर हाल दी घड़ी विच जिहड़ी शेड तुरंत पाई जावे। जो बीबीएमबी दे एरिया विच कौंसल करोड़ां रुपए दे पेवर ला सकदी, उहनां दी एनओसी दे सकदी, तां तुहाडी तां मुख मंग इहनूं पूरा नहीं कर सकदी। देखो इह लगभग पिछले एक साल तों इही मंग है, सानूं खुद नहीं समझ आंदा कि जिहड़ी साडी मंग है जायज़ मंग है। इत्थे तां सानूं लोड़ भी नहीं है कि असी एनओसी लईए जां कुछ भी है, कि लोगों की लड़ाई है और हमेशा जिहड़ा एक अड़िका फसा दिता जांदा हुण फिर फसाया गया, तो असी बस यही मंग करते हैं कि जल्द तो जल्द जिहड़ी साडी मंग है इहनूं पूरा किया जाए ता जो जिहड़े लोग बाहर तो आते हैं, क्योंकि तुसी खुद देखिया होना इत्थों बस स्टैंड की दूरी 2 किलोमीटर है, हुण उह डैम तो आते जिहड़े जिन्हां भलाण वल तो आना है, तो जिस बंदे ने 2 किलोमीटर चल के आना उन्हें फिर इतने धुप्प के आके बैठना। साड़ी असी बीबीएमबी भी कहें कि ये एनओसी लैन की लड़ नहीं है, जोड़ा सा टैंपरेरी स्ट्रक्चर है वह जल्द तो जल्द सानू खड़ा करा के दिता जाए ता जो लोग मुसीबत दे विच ना आवे। देखो जी, पहला तो सब तो पहला तो प्रैस नंगल की प्रैस का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने साडा जो मुद्दा हैगा वो अखबारों से प्रिंट न बहुत जो चुकया उसकी लड़ाई में लैके सानू सैशन जज साहब ने आश्वासन दिता सीगा कि साडा काम बहुत जल्द शुरू हो। डीसी साहब नाल सैशन साहब की मीटिंग होंदी रही कि साडा जिहड़ा काम हैगा ये शैड जां काम चाहे वकीलों के बैठने का बाररूम का काम ये बहुत जल्दी शुरू हो रहा, पर परसों की गल है परसों जदों सारा जिहड़ा प्रक्रिया हुई है इत्थे बंदे आए हैं उन्होंने डिगिंग की है जी, एक टोया पट के चले गए मुड़ के आते सामने समान सुटाता, पर जदों असी अज आ रहे हैं सवेरे तो अच्छ सूँ ये पता लग रहा कि शैड जी है इतने नहीं पाई जा रही, वो बैक साइड के पिछे जितने मोर्चरी है उत्थे पाई है। देखो सानू तो इतराज यह है कि साड़ी कोर्ट की जी जी बिल्डिंग है जी एंट्रेंस है वो साढ़े सामने है, शैड चाहिए सी इतने, हूँ पता नहीं की होया रातों रात की होया है कि चाहे कमेटी ने चाहे प्रशासन ने की फैसला लिता कि जरा इतों चक के जोड़ा है सूँ पिछे कह रहे कि अं शैड पा देंगे, पर मैं फिर दस देव कि इस मुतलक जोड़ा 24,98,000 रुपया सेंक्शन होया जी पिछली सरकार के वेले वो पहला ही कमेटी को पास पिया है, तो वो यह कि वकीलों जोड़ा है एक तो बाररूम प्लस एक लिटिगन शैड जी बननी सी करके 24,98,000 का मुद्दा कमेटी को पास वो पैसा जोड़ा है वह लगना है, तो वो किदा लगना है वो कमेटी वाले ने लाना है या प्रशासन जिदा करूगा,
हूँ असं यह कह रहे हैं कि सूँ यह कहा जा रहा है कि असी जी मोर्ची है उन्होंने रेनोवेट करके असं तुम्हें देवे प्लस शैड पा देंगे। किसने बोले किसके आदेश ये अज आए थे जी एम सी कमेटी वाले उन्होंने बोलिया होया कि असं रेनोवेट कर देंगे पर असं कह रहे हैं कि 40-45 साल बिल्डिंग होगी साल में पता नहीं कदों डिग जाएगी उसको डिमोलिश करके नवी बना दो कमेटी को पैसा पिया है कमेटी जो पैसा लाएगी चाहे जिन्ना भी बनता उन्होंने एसटीमेट मेरे हिसाब से 25 लाख रुपये तो बहुत होंगे 25 लाख च बाथरूम बन जाएगा शैड बन जाएगी। विधायक साहब ने बोले कि काम शुरू हो जाएगा इस जगह काम शुरू होने की गल हुई है उस जगह। हाँ देखो सानू भी इस कल दे साढ़े कोई साढ़े ग्रुप बने होंगे जी वकीलों के उस ग्रुप के एक लैटर आई है जोड़े मौजूदा साढ़े मंत्री साहब हैं मंत्री साहब ने यही कहा कि पता लग्या कि वकीलों की जी प्रॉब्लम हैगी शैड बारे पहला तो मैं मंत्री साहब ने भी बधाइया दिना कि उन्होंने लग गया पता 5 महीने बाद किसी वकीलों की जी है वो कोई प्रॉब्लम जेनुअन प्रॉब्लम हैगी है तो पर उन्होंने इन्होंने यह कहा कि असी NOC लेंदे रहेंगे BBMP गल लड़ाई ही इतनी NOC BBMP की है जी BBMP की जमीन है BBMP ने NOC देनी है NOC तुहाडे सामने है जी जी पुल का काम चल रहा है फ्लाईओवर का उसे तक जी NOC नहीं मिली तो ही काम रुकया हुआ जी जब तक असं NOC नहीं पहले लवेंगे फिर काम कितना शुरू होगा जी। तो दूसरी गल उन्होंने ये कहा कि असी मैं तुरंत कहता कि शैड पा दी जाए उन्होंने इतने ही कहा जिते हूँ असं समान देकर गए कि इतने शैड पा दी जाए पर अज जो परसों का जवान होर सी जी अज की गल होर जवान है अज इतने सारा समान अच्छ कोई कोई कुछ काम नहीं होया 2 दिन हो गए तो हूँ सूँ कह रहा कि परे लगे जी। तुम गल की है विधायक न मीडिया के थ्रू तुम आवाज़ पहुँचा रहे हो? नहीं जी नहीं मीडिया के थ्रू ही आवाज़ है जी जो सू लैटर आई है वो भी सू ना तो सू सद्या गया किस तो मंग कर रहे हो तुम देखो असं प्रशासन कह रहे हैं असं प्रशासन को कहेंगे कि जो जो जेनुअन है 25 लाख रुपया जो सेंक्शन हो कमेटी को सू सू एसटीमेट तो बना के दस ना सू एक जी इन्होंने एसटीमेट बनाना उस से बाहर के मैंबरों को लाया जाए बाहर के मैंबर जोड़े है वो पूरी साड़ी टीम ले जाए 4 या 5 मैंबर लैन असी बनाना सू नक्शा दसो कि बनना एसटीमेट दसो कि बनना 25 लाख रुपया लगना भी है कि नहीं लगना कि 2 लाख की शैड पा के तुम बाकी कितने जाना पैसा जी तुम विरोध करते हो जी जो पिछले बनती है मोर्ची देखो असं विरोध नहीं कर रहे असं ये कह रहे हैं जे तो पिछले बननी है तो मोर्ची ढा के बनाओ उस मोर्ची को रेनोवेट करके साडे वकील या साडे बाहर उत्थे जाने की कोशिश नहीं है क्योंकि कदों भी हादसा कोई हो गया फिर थोड़ी जागूगा प्रशासन उन्होंने नवी बिल्डिंग बना के उस तो बाद शैड बने असं सारे तैयार हैं 25 लाख रुपया जो आया सेंक्शन होया पिछली सरकार ने वो लगे